सौजन्य का जो मर्डर हुआ था, उस मर्डर की सिद्धरामैया के सरकार में उसकी तहकीकात हुआ था। उस तहकीकात को सरकार ने उसको दबा के, और जो इंसान जो उसकी मानसिकता से कमी था, वो संतोष नाम का लड़का को उसको आरोप बना के सरकार ने उसको बंधन करके जेल में रखा था। 12 साल तक उन्होंने जेल में रहे थे, और अभी सरकार ने जो कोर्ट की जो आदेश हुआ, निरपराधी का जो 12 साल से जो उसको गठबंधन में रखा हुआ था, उसकी हानि कौन देने वाला, उसकी घर की देखभाल कौन करने वाला। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय श्री बसवेश्वर मेडिकल एंड जनरल स्टोर, प्रोवाइडिंग द हाईएस्ट क्वालिटी एंड 100% जेन्युइन मेडिसिंस। 24/7 आवर्स मेडिकल इज ओपन एंड फ्री होम डिलीवरी आल्सो अवेलेबल। मेडिसिंस एट योर डोरस्टेप, अपोजिट बसवेश्वर हॉस्पिटल, सेधम रोड, कलबुर्गी। मैं एसएस तावड़े, भीम आर्मी के राज्य अध्यक्ष, और मेरे साथी महिला घटक के अनुपमा सुलेकर जी है, और गंगूबाई जी है, और यूथ भीम आर्मी के अध्यक्ष संतोष पाड़ा जी है, सीतापुर के अध्यक्ष नागराज गायकोट जी। अभी हमारे भीम आर्मी के तरफ से जो बैतंगी तालुका का जो उदरे, इसमें जो सौजन्य का जो मर्डर हुआ था 12 साल के पीछे, उस मर्डर की जो तहकीकात जो चल रहा था, जब सिद्धरामैया के सरकार में उसकी तहकीकात हुआ था, उस तहकीकात को सरकार ने उसको दबा के, और जो इंसान जो उसकी मानसिकता से कमी था, वो संतोष नाम का लड़का को उसको आरोप बना के सरकार ने उसको बंधन करके जेल में रखा था। 12 साल तक उन्होंने जेल में रहे थे, और अभी सरकार ने जो कोर्ट की जो आदेश हुआ, वो निरपराधी का जो 12 साल से जो उसको गठबंधन में रखा हुआ था, उसकी हानि कौन देने वाला, उसकी घर की देखभाल कौन करने वाला, उनकी घर की हालत क्या हुई होगी, फिर इसका जो ना अपराधी जो संतोष की जो घर को 12 साल से उनको क्या मिलना था, वो सरकार ने अभी आगे उनको देने की प्रयत्न करना चाहिए। और जो सौजन्य की जो मर्डर हुई थी, आज तक जो वहाँ पे तनिके और उनको तहकीकात करके, अभी परसों सिद्धरामैया जी बोले, सीएम जी, उसको पुनर्जीवित दे के हम लोग, कौन जो उनका मर्डर किए है, उनको हम लोग सीबीआई को दे के उनको तहकीकात करेंगे। हम सिद्धरामैया के धन्यवाद करते हैं कि जो 12 साल के बाद भी, पहले भी उनकी सरकार जब थी वो बोले थे, पर अभी 12 साल के बाद फिर उनकी सरकार आए, तो फिर उसकी तहकीकात के लिए जो गवर्नमेंट को आदेश कर रहे हैं, हम उनको बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी एक गुजारिश है सीएम साहब को, भीम आर्मी की तरफ से, जो दोनों घर की जो नुकसान पहुँचा है, वो दोनों घर को उनको आगे उनका जो उनका तहकीकात करते हुए उनको जो घर को क्या उनको रिमिटेशन क्या देना है, वो उनको देना चाहिए, और उनका घर का बढ़ावे के लिए उन्हों देखना चाहिए। और मैं उनकी गुजारिश करके मैं धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने मर्डर किए उनको तहकीकात करके अंदर डालने की कोशिश करने के लिए मैं विनती करता हूँ। जय भी भारत एकता मशीन भीम आर्मी महिला घटक वतियिंद इवत्तिन दिन ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಜಿರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸೌಜನ್ಯ ಅವರಿಗೆ ರೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಅವಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 2012ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಊರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಹುಡುಗರು ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು 4 ಜನ ಹುಡುಗರನ್ನು ತಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು
ಆ ಸಂತೋಷನ ಹುಡುಗ ನಿರಪರಾಧಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಇರುವಂತಹ ಹುಡುಗನಿಗೆ 11 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಗಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ 11 ವರ್ಷ ಆದರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ This video presented by Shri Basveshwar Medical and General Store, providing the highest quality and 100% genuine medicines. 24/7 medical is open and free home delivery also available. Medicines at your doorstep. Opposite Basveshwar Hospital, Sedham Road, Kalburgi.